चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर एक बैठक की गई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बैठक की गई। दीपावली और राज्य स्थापना दिवस को लेकर यह बैठक हुई। अधिकारियों को जरूरी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। दीपावली और राज्य स्थापना दिवस पर स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की बेहतर व्यवस्थाएं रखने के लिए कहा गया है। दीपावली पर्व पर यातायात प्रबंधन का रखे विशेष ध्यान। आवागमन में जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अग्निशमन विभाग आगजनी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन व्यवस्था रखने के साथ ही बर्न यूनिट को 24 घंटे सुचारू रखें। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी की रोकथाम पर खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग करने के आदेश दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, थूकने की घटनाओं और गुणवत्ता में कमी पाए जाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के आदेश हैं। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए चलाए गए हैं विशेष अभियान। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सौंदर्यकरण की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया है। 6 से 12 नवम्बर तक राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि प्रदेश के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाएंगे। 6 से 12 नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। हम राज्य के रजत जयंती वर्ष में कर रहे हैं प्रवेश, धामी की ओर से कहा गया। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए हम सबको टीम उत्तराखंड की भावना से काम करना है। चलिए बढ़ते आगे। कोटद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान को लेकर आज के इंटर कॉलेज किशनपुर कर्वघाटी में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। बहुउद्देश्यीय शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडूड़ी की ओर से किया गया। शिविर में विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के स्कूलों का निरीक्षण भी किया, साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादित सामग्री की जमकर सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडूड़ी ने कहा कि बहुउद्देश्यीय शिविर न केवल कोटद्वार वासियों को समस्याओं के समाधान में मदद करेगा बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक सकारात्मक पहल है जो क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निस्तारण हमारे से हो पा रहा है उसको कर रहे हैं और सभी अफसरों को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो यहाँ पर रहें और जब तक लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखें और प्रयास करें कि जो जो निस्तारण तुरंत हो सकता है उसको करें और बाकियों का संज्ञान देखें अगले 1-1.5 महीने में उसको पूरा है। किसी की थोड़ा बहुत पानी की समस्या है, किसी की शौचालय की समस्या है कि हमारा बन गया है लेकिन हमारे पेमेंट्स नहीं हुए, तो बिजली की समस्या, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगी, पेंशन की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग जनता अपनी समस्या यहाँ पर रखते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बताते चले कि पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको बताते चले कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। छात्र लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सरकार नागरिकों के मूल अधिकार से छेड़खानी कर रही है, ये सब कुछ हरीश रावत का कहना है। सड़कों की स्थिति बद से बदहाल हो चुकी है, राजधानी की स्थिति ज्यादा चिंतनीय है, सरकार के शोषण के शिकार हो रहे हैं कर्मचारी, स्मार्ट मीटर लगाने से लोगों का बजट बिगड़ जाएगा, राज्य का भ्रमण कर जनता को परिस्थिति से अवगत कराऊंगा, ये हरीश रावत का कहना है। ककड़ी का रायता खाने के लिए और ककड़ी खाने के लिए मिले थे, तब मैंने जरा सा जोश में आपसे कह दिया था कि जोश में ही नहीं कहा था, मैंने सरकार को सावधान करने के लिए भी कहा था। मैंने कहा था कि गड्ढे नहीं भरेंगे पिछली बार की तरीके से, मैं फिर राज्य के भ्रमण पर जाऊंगा और जगह जगह जो है आपको वो गड्ढे भरने चाहिए, भरो। मुख्यमंत्री जी ने एक डेट, एक तिथि डिक्लेयर कर दी, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो और कहा शायद 15 अक्टूबर या कुछ जो भी दे,
चलो 10-15 दिन और बढ़ा दिया आपने, तो मैं वो बड़ी हुई डेट के बाद मैंने कहा भाई यदि राज्य भर में नहीं भी जा सक रहा हूं तो जरा देहरादून देख लूं या स्मार्ट टाउन सिटी को देख लूं। अब इस स्मार्ट सिटी को देखने के चक्कर में मैं नथुआला पहुंचा, वहां की सड़क इतनी बदहाल थी कि वो महिलाएं जो है उनको कोई और रावत तो मिला नहीं, मैं ही रावत मिला, उन्होंने बड़ा डांट फाट पिला दी जो है मुझको, यानी ऐसी सड़कें टांग टूट जा रही है, बच्चों को ले जाने में डर वो हो रहा है ये हो रहा, और वास्तव में हमारी बोल बता। छात्र संघ चुनाव को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले पर छात्र संगठन भड़क गए हैं। छात्रों ने सरकार पर जानबूझकर छात्र संघ चुनाव नहीं कराने और हाई कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने चुनाव की मांग को लेकर ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू किया। अपनी मांग पूरी करने के लिए कुछ छात्र पानी की यहां पर टंकी पर भी चढ़ गए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस लगातार हाईकोर्ट के फैसले को मानने की अपील छात्रों से कर रही है, लेकिन छात्र चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों ने चुनाव नहीं होने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर सरकार का पूरा फोकस बना हुआ है। छात्र संघ चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के संगठन को करारी हार मिलने की आशंका है। इस डर की वजह से सरकार छात्र संघ चुनाव को कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यदि चुनाव हार जाता है तो इसका प्रभाव केदारनाथ के उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर पड़ेगा। बता दें कि पानी की टंकी पर छात्रों के चढ़ने से प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। छात्र संघ चुनाव की तिथि जारी न होने के चलते नैनीताल के डीएसबी कैंपस में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। कॉलेज का गेट बंद कर छात्रों ने परिसर में किसी को नहीं घुसने दिया। छात्रों ने यहां पर डीएसबी कैंपस के गेट पर सरकार का पुतला फूंकने के साथ ही कॉलेज की छत पर चढ़कर नारेबाजी की। इस दौरान शहर की पुलिस कॉलेज में मौजूद रही, लेकिन छात्रों को शांत नहीं करा सकी। जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देशों पर एडिशनल एसपी जेआर जोशी मुनिकीरेती थाना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण में थाने की तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दी। निरीक्षण के बाद एडिशनल एसपी ने पुलिस अधिकारियों और यहां पर सीएलजी के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें त्योहारी सीजन पर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने बताया कि थाना परिसर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था और थाने में मुकदमे से संबंधित वाहनों का निस्तारण करने के निर्देश इंस्पेक्टर रितेश शाह को दिए गए हैं। छात्र में आपको बता दें कि क्षेत्र में दीपावली पर्व को देखते हुए गश्त बढ़ाने के साथ सीसीटीवी के माध्यम से संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। साथ ही क्षेत्र में नशे के कारोबार को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और पुलिस मुख्यालय स्तर से चल रहे अभियानों के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन कराने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रकाश पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहता। वहीं आज कलियर थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर कलियर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो मिठाइयों की दुकान पर मिठाइयों के सैंपल लिए गए। इस दौरान कहीं पर सफाई नहीं पाई गई तो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, जिससे दुकानदारों में भगदड़ मची रही। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता नाबालिग का जंगल में शव मिला, जिसके बाद समलैंगिक रिश्ते में शादी का दबाव बनाने पर नाबालिग की हत्या हुई। पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर हत्यारे को डोईवाला से गिरफ्तार किया। हत्यारे के कब्जे से पुलिस ने मृतक का मोबाइल और घड़ी बरामद कर ली है। सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में इस वक्त सनसनी मची हुई है। हत्या के खुलासे में सीसीटीवी कैमरे ने अहम भूमिका निभाई। शादी का दबाव बनाने पर हत्यारे ने रचा नाबालिग की हत्या का षड्यंत्र। पूछताछ में हत्यारे ने बताया कि ऑनलाइन एक ऐप पर मुलाकात हुई थी। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस बड़े खुलासे पर पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने टीम को शाबाशी दी।
ऋषिकेश में यदि कोई बड़ी आग लगने की घटना हो जाए तो अग्निशमन विभाग समय से आग पर काबू पा सकेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरणों की कमी अग्निशमन विभाग के ऋषिकेश कार्यालय में देखी जा रही है। मानकों के अनुरूप ना तो विभाग के पास बड़े वाटर टेंडर वाहन है, ना ही शहर में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट काम कर रहा है। ऋषिकेश अग्निशमन विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 2 दशक पहले शहर में 28 हाइड्रेट एक्टिव हुआ करते थे, जिनमें से वर्तमान में 14 हाइड्रेट सड़क में दबकर और पानी नहीं होने की वजह से खराब हैं। बाकी 14 पानी के लो प्रेशर की समस्या यहां पर बनी हुई है। हाइड्रेट चालू करने के लिए अग्निशमन विभाग कई बार जल संस्थान को पत्र भेज चुका है, लेकिन जल संस्थान के अधिकारी बंद हाइड्रेट को चालू करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अग्निशमन विभाग के वाटर वाहन आशुतोष नगर आदर्श नगर श्यामपुर के लक्कड़घाट स्थित आउटलेट से पानी भरने के लिए मजबूर है। एफएसओ प्रताप सिंह राणा ने बताया कि फिलहाल विभाग 2 वाटर वाहन टेंडर, 1 फॉर्म टेंडर, 1 मिनी वाटर टैंकर और 1 बैकपैक सेट बाइक से आग की घटनाओं पर काबू करने का काम कर रहा है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की है। पुनर्गठन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। वन सिंचाई ऊर्जा सहकारिता विभाग से संबंधित परिसंपत्तियों के संबंध में चर्चा की गई। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर समय समय पर यह बैठक आयोजित होती है। प्रेमचंद अग्रवाल का यह कहना है, ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई की जाएगी। 1,13,00,000 की धनराशि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड के दिए जाने पर उत्तर प्रदेश द्वारा सहमति मिल गई है। वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी भी लंबित है। विभागीय सचिव स्तर पर आगामी 10 दिनों के अंदर बैठक कर मामलों का निस्तारण कर दिया जाएगा। लंबित मामले लगातार देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर मामलों के निस्तारण के लिए सीएम धामी से आग्रह भी किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से ये बैठक की गई है, जिसमें पुनर्गठन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक यहां पर की गई। आपको बताते चले कि वन सिंचाई ऊर्जा और सहकारिता विभाग से संबंधित परिसंपत्तियों के संबंध में ये चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी। ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार लंबित है। वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी भी बाकी है, अभी भी लंबित है। विभागीय सचिव स्तर पर आगामी 10 दिनों के अंदर बैठक कर मामलों को निस्तारण कर लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर पर भी बात होगी। तो मुख्यमंत्री स्तर पर मामले के निस्तारण के लिए सीएम धामी से आग्रह किया जाएगा। आपको बताते चले कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दोनों ही राज्य के मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में इन तमाम बातों को रखा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की जाएगी। हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी, कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई बाकी जमीनें हमारी वहाँ पे ऐसी है कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए, तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ। अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10,44,00,000 रुपया हमने वहाँ से लेना है, 3,33,00,000 रुपये हमने देना है, यानी लगभग 7,11,00,000 रुपये भी हमें एक तरह से वहाँ से मिलने की संभावना बनती है। ऐसी हमने पिछली जो कृषि में हमें 1,13,00,000 रुपये मिला है, उसके लिए उन्होंने सहमति दी है। यानी कि इस बैठक का लब्बो लबाब का रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो हमें पैसा वहाँ से
जिनकी हमें कागजों में नहीं ज्ञात था या जानकारी नहीं थी, वो पुनर्जीवित हुआ, निकला और उसमें हमें इस तरह से लाभ हुआ। जो हमारे चाहे सिंचाई विभाग की जमीन है उसके लिए भी हमारी बातचीत जारी है, और ऐसे हमारे यहाँ वन विभाग का कुछ मैटर है, जो पिछले बार हमने कहा था कि हमारे यहाँ जो लगभग उसमें लगभग 90-95। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से गंगा आरती के साथ। I'm sorry.
पुष्पमान जावा पशुमान भवती।